लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। चीन में कोरोना वायरस से शनिवार को 28 और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस विषाणु से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,070 पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 1,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी कर भीड़भाड़ वाले इलाके या सार्वजनिक सभाओं से लोगों को दूर रहने की अपील की है। नई दिल्ली चीन में कोरोना वायरस से शनिवार को 28 और लोगों की मौत हो गई, जिससे इस विषाणु से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,070 पहुंच गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 1,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। वहीं इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी कर भीड़भाड़ वाले इलाके या सार्वजनिक सभाओं से लोगों को दूर रहने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि लोगों को भीड़ वाले इलाकों या सार्वजनिक सभाओं से दूर रहना चाहिए। ऐसे में अपील की जाती है कि अधिक से अधिक कोशिश की जाए कि किसी तरह का ऐसा कार्यक्रम ना हो जहां अधिक लोग एकत्रित हो, इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा है। अगर किसी जरूरी काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो फिर आयोजकों, स्थानीय प्रशासन को और से वहां लोगों की जांच, सैनिटेशन का ध्यान रखना जरूरी है। वायरस ने 97 देशों को अपनी चपेट में ले लिया। पिछले साल दिसंबर में चीन से फैलने शुरू हुए वायरस ने 97 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। 1,02,180 लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 80,651 मामले चीन में सामने आए हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को कहा कि देश में शुक्रवार को इस वायरस के संक्रमण के 99 नए मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हो गई है। आयोग ने बताया कि 28 लोगों की मौत वायरस के केंद्र हुबेई प्रांत और उसकी राजधानी वुहान से बाहर दर्ज किए गए हैं।